नमस्कार सभी मित्रों, आज गुरुवार के दिन बहुत ही शुभ दिन है जब शिक्षक दिवस पड़ा है और शिक्षक दिवस के इस पुनीत पावन अवसर पर मैं अपने सभी गुरुओं का स्मरण करता हूँ। उन गुरुओं का ही मात्र नहीं जिन्होंने मुझे रंगमंच की दीक्षा दी, बल्कि उन गुरुओं की भी जिन्होंने मुझे सबसे पहले नर्सरी में पढ़ाया, प्राइमरी में पढ़ाया, मिडिल स्कूल में पढ़ाया, हायर सेकेंडरी में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, जिन लोगों ने मुझे इस तरह से व्यक्तित्व को बनाने की प्रेरणा दी कि व्यक्तित्व को उत्कृष्ट बनाने के लिए व्यक्ति को जीवन में उत्कृष्ट कार्य करना अनिवार्य है। हम सभी शिक्षक दिवस पर अपने गुरुओं के पांव छूते हैं और हमारे गुरुकुल पद्धति में तो शिक्षक का सारा काम ही गुरुकुल में विद्यार्थी ही किया करते थे। महाभारत काल से अगर देखें या रामायण काल से अगर देखें तो राजाओं के बेटे भी गुरुकुल में जंगल में चले जाते थे और वहां कुटिया के लिए लकड़ी काटने से लेकर कुटिया बनाने से लेकर भोजन की व्यवस्था करने से लेकर गुरु और आश्रम की सेवा और रक्षा करना तक उनका एक पुनीत कर्तव्य था विद्या अध्ययन के बाद भी। अब समय के साथ सभी चीजों में परिवर्तन आता है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो 4000 साल पहले हो रहा था वो आज भी होगा या जो तब जिस रूप में होता था वो आज उसी रूप में हो रहा होगा। रूप बदलते हैं, लेकिन कहने का अभिप्राय यह है कि शिक्षक दिवस पर यह बात आपसे शेयर करने का अभिप्राय यह है कि शिक्षक क्या चीज है, चाहे वो किसी का भी हो, किसी भी विषय का। जीवन में माता पिता अपने बाद अगर किसी पर विश्वास करते हैं तो शिक्षक पर, और शिक्षा देने वाला आदमी शिक्षक कहलाता है। उसके बारे में चरण छूने के अलावा और स्मरण करने के अलावा और किया ही क्या सकता है। मैं तो अपने सारे थिएटर के टीचर्स को भी आज नमन करता हूं, जिसमें मतलब अलख नंदन जी से लेकर बंसी कौल साहब से लेकर कारण साहब से लेकर मोहन महर्षि जी से लेकर राम गोपाल बजाज साहब से लेकर वो टीचर भी जिन्होंने मुझे थ्योरी पढ़ाई, अनुराधा कपूर, कीर्ति जैन, निभा जोशी, एच वी शर्मा जी, दासगुप्ता दादा, महापात्रा दादा, गोवर्धन पांचाल दादा, और वो शिक्षक भी जिन्होंने मुझे अभिनय के बारे में जरूर ज्यादा प्रेरित किया कि एक्सरसाइजेस बताएं, नए नए तरीके बताएं, जिसमें बैरी जॉन, रॉबिन दास, प्रसन्ना, ये सब तो हैं ही। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनसे शिक्षा प्राप्त की है, जिनका शायद नाम आपको ना पता हो। ऐसे भी कई विद्यार्थी हैं जिनका काम देखकर मैं प्रेरित होता हूं, जिनसे मैं सीखता हूं। असली में सीखना ही शिक्षा देने का एक सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, शायद आजकल कुछ लोगों को ये पता ही नहीं है कि बिना किसी की जानकारी के उसका वीडियो बनाना, उसको वायरल करना, इसके कानूनी अर्थ क्या हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज अगर अच्छी है उसका प्रदर्शन आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब अगर आप किसी आदमी की तबीयत खराब हो गई है, अभी पिछले दिनों ही एक बात हुई कि मेरे अचानक ब्लड प्रेशर की वजह से सिर घूम गया। हमारे एक पुराने स्नातक हैं जो इन दिनों नाट्य विद्यालय में लोक नाट्य की शिक्षा भी देते हैं, विश्वनाथ पटेल, वो दौड़कर मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि आपकी तबीयत खराब लग रही है, मैं आपके लिए पानी ला दूं। मैंने कहा नहीं बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने थोड़ी देर मेरा पीछे खड़े होकर सिर सहला दिया। अब सिर क्या सहला दिया, सिरों पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। मतलब उसका वीडियो बनाया गया, उस वीडियो को किसी को भेजा गया और फिर उसने अपलोड कर दिया कहीं और फिर किसी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप से वो वायरल होता रहा। उन सबके स्क्रीनशॉट्स हैं, उन सबके स्क्रीनशॉट्स हैं, कमेंट्स हैं। ये एक बहुत ही गंभीर बात है और एक शासकीय संस्थान में ऐसा करना, किसी के प्राइवेट मूवमेंट में या किसी के पर्सनल मूवमेंट में इंटरफेयर करना निजता के नियम का भी उल्लंघन है। मैं कोई एक विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कोई आदमी अगर लेटा है, कोई आदमी सो रहा है या कोई आदमी के कंधों में मोच आ गई है तो कोई शिक्षक का कंधा दबा रहा है विद्यार्थी। कई बार ऐसा होता है कि घुटनों में बहुत समस्या आ गई, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते तो कोई विद्यार्थी लंगड़ाते हुए चलते देखते हैं तो बोलते हैं कि गुरुजी आपके घुटने बहुत दर्द है,
थोड़ा उसको दबा देता हूं। इन चीजों को ऑफिशियल बनाना, इन चीजों को शिकायती तरीके से तीखे तेवर के लहजे में सार्वजनिक पोस्ट करना, और 38 साल रंगमंच के क्षेत्र में जिसने काम किया है, जो लगातार 19 साल की उम्र से आज 58 साल का हो चुका है, अगर आप उसका सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम उसका असम्मान भी मत कीजिए। क्योंकि मैं चीजों के कानूनी पहलू को भी देख रहा हूं, मैं विधि विशेषज्ञों से भी सलाह ले रहा हूं, क्योंकि निजता इंस्टीट्यूशनल को कोई बेवजह बदनाम करे, उस इंस्टीट्यूट में जिसमें आप काम करते हैं, उस इंस्टीट्यूट में जहां आपने खाना खाया है, उस इंस्टीट्यूट में जहां आपने शिक्षा ली है, या उस इंस्टीट्यूट में जहां कुछ काम करके आप कुछ पैसे भी कमाते होंगे, इसे कहते हैं अपनी थाली में छेद करना। और किसी व्यक्ति के पीछे बेवजह ऐसे पड़ना कि वो आदमी त्रस्त हो जाए, वो आदमी दुखी हो जाए, वो आदमी आत्महत्या कर ले। लेकिन मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैं एक मॉरल को मानने वाला आदमी हूं, मेरे 38 साल के जीवन में कभी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। लेकिन 7 साल एचओडी की पोस्ट पर बैठने के बाद भी, उसके बाद जब मैं 1 साल से यहां का डायरेक्टर बना हूं, हर दिन कोई नए प्रकार का आक्रमण, हर दिन कोई नई तरह की चीज, यह तो हमारे संस्था को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। व्यक्ति तो बदनाम होगा ही, संस्था को भी बदनाम करो। दुष्प्रचार कहलाता है ये, जो कई देशों के बारे में करते रहते हैं साइबर हैकर लेकर। मैं हाथ जोड़ के शिक्षक दिवस पर सभी से प्रार्थना करता हूं कि कृपया भविष्य में इस तरह की चीजों से रिएक्शन देने से बचा जाए, प्रतिक्रिया देने से बचा जाए। कोई बात हो तो मुझसे सीधे पूछ ली जाए, और मेरा ही नहीं किसी और का भी प्राइवेट मोमेंट में उल्लंघन करना, छुपकर वीडियो बनाना, उसको वायरल करना बहुत ही गंभीर कृत्य है, जिसके बारे में कई स्तर पर संज्ञान लिया जा सकता है। आज इतना ही, धन्यवाद, जय महाकाल।